नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ज्ञान बिहार का सेगमेंट मिलेगा। वहां जाकर आप बिहार से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज से नहाय खाय के साथ शुरू हुआ चैती छठ। फसल क्षति के लिए सरकार से मुआवजा पाने के लिए करेंगे काम। बिहार के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। बिहार से निकले अभिनेता गुरमीत चौधरी बने पिता। बिहार के 259 नगर निकायों में प्री मॉनसून से पहले लगेगा स्ट्रीट लाइट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से नहाय खाय के साथ शुरू हुआ चैती छठ। सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से, यानी कि मंगलवार से नहाय खाय के साथ शुरू हो गया, जिसके बाद ही आज बिहार के विभिन्न शहर के गंगा घाटों पर छठ गीत गाते व्रती नहाय खाय के साथ व्रत को आरंभ करेंगी। ज्योतिषाचार्य राकेश झा ने पंचांग के हवाले से बताया है कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी 5 अप्रैल को स्वार्थ सिद्धि और रवि योग्य के पुण्यकारी संयोग में नहाय खाय होगा। व्रती गंगा स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ और पूजा अर्चना करने के बाद अरवा चावल, चना दाल, कद्दू की सब्जी ग्रहण करेंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे जगजीवन राम की। जगजीवन राम, जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता थे। बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं, उनमें से ही एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। 28 साल की उम्र में ही 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए, तो बाबूजी डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए। अंग्रेज बिहार में अपने पिट्ठू सरकार बनाने के प्रयास में थे। उनकी कोशिश थी कि जगजीवन राम को लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए, उन्हें मंत्री पद और पैसा का लालच दिया जाए, लेकिन जगजीवन राम ने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ही बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वो मंत्री बने। साल भर के अंदर ही अंग्रेजों के गैर जिम्मेदार रुख के कारण महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। फसल क्षति के लिए सरकार से मुआवजा पाने के लिए कर ये काम। बिहार सरकार मौसमी और प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देती है। ऐसे में अगर आप भी किसान हैं और आपका फसल भी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुआ है, तो सरकार की तरफ से आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए दिया जाता है। नुकसान से अधिक होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भी प्रावधान है, जिसके तहत ही सरकार ने राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भूल सुधार के लिए 15 दिनों का मौका दिया है। त्रुटि को दूर करने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षा की बेहतरी के लिए अब होगा खास काम। बिहार के सभी जिलों में अब जल्द ही नई शिक्षा नीति के तहत काम होने वाला है, जिसके तहत ही अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि डाइट की भूमिका विस्तृत होगी। ये संस्थान केवल भविष्य के शिक्षक तैयार करने के केंद्र बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि स्कूली शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। एनईपी के तहत अब डाइट सरकारी स्कूलों के पहली से लेकर 12वीं तक में पढ़ने वाले 2 करोड़ से अधिक गरीब घरों के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने की पटकथा लिखने में महती भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी विधानमंडल के बजट सत्र में डाइट को महत्वपूर्ण बनाने के संकेत दिए थे। बिहार के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। बीते दिन बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवा दिया गया। 97.84% से अधिक वोटिंग हुई। इस दौरान ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने गृह जिला दरभंगा के बिरौल प्रखंड से मतदान केंद्र पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान किया। भाजपा सांसद छेदी पासवान ने सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग की। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद चुनाव में पहली बार मतदान किया। बिहार के जमुई जिले से सदर प्रखंड के अंचल कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर लोजपा रामविलास सुप्रीमो जमुई सांसद चिराग पासवान ने मतदान किया। ज्ञात हो, निर्वाचन आयोग के मुताबिक 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के सशस्त्र जवान मतदान केंद्र पर तैनात किए गए थे। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी औचक जांच।
बिहार में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों की औचक जांच शुरू होने वाली है। कोरोना काल के बाद अब सामान्य जनजीवन और काम को गति देने और आंगनबाड़ी केंद्रों के अमूमन बंद रखने के शिकायत को दूर करने के लिए ही केंद्र की औचक जांच शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, इस दौरान बंद पाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों और संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर और जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। कार्यपालक निदेशक कुमार ने बताया है कि नियमित रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने निकाली रिक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने जूनियर तकनीशियन के कुल मिलाकर 1625 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन फिटर है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक ट्रेड में ITI में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार SI सार्जेंट एडमिट कार्ड 2022 हुआ जारी। बीते दिन बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट परीक्षा के लिए बिहार पुलिस एडमिट कार्ड 2022 जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब जो भी उम्मीदवार बिहार पुलिस SI सार्जेंट परीक्षा 2022 के लिए उपस्थित होंगे वो आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर SI सार्जेंट एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार बिहार पुलिस SI सार्जेंट प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में पास हुए हैं वो बिहार पुलिस SI सार्जेंट मुख्य परीक्षा 2022 में बैठने के पात्र होंगे, जिसके बाद ही अब ये परीक्षा 24 अप्रैल को जारी की जाएगी। तय समय तक बिहार के 3.25 लाख लोगों ने बनवा लिया श्रमिक कार्ड। बिहार में श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए श्रमिक कार्ड जरूर बनवाने की नसीहत दी जाती रही है। ये श्रमिक कार्ड आपको भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में मददगार साबित हो सकते हैं। बिहार में तय अवधि तक बिहार में असंगठित क्षेत्र के 3.49 करोड़ श्रमिकों का निबंधन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2.80 करोड़ श्रमिकों का निबंधन हुआ है। इसमें 2.44 करोड़ ने वसुधा केंद्र और 79,62,000 श्रमिकों ने खुद से निबंधन करवाया है। बिहार से निकले अभिनेता गुरमीत चौधरी बने पिता। टीवी के अभिनेता गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देविना बैनर्जी ने सोमवार को अपनी पहली संतान के जन्म की घोषणा की। दोनों ने बताया कि उनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ है। जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की है जिसमें 3 हाथ नजर आ रहे हैं, एक गुरमीत का, दूसरा देविना का और तीसरा उनकी बच्ची का। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि हम बेहद कृतज्ञता के साथ अपनी बच्ची का इस दुनिया में स्वागत करते हैं। 3 अप्रैल 2024 आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। प्यार और आभार, गुरमीत देबिना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुरमीत और देबिना साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने फरवरी 2022 में गर्भवती होने की जानकारी दी थी। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाया गया है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वरवधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाली इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी भी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरि सिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में की थी। बिहार विद्यापीठ प्रबंध समिति से पटना हाईकोर्ट नाराज। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बीते दिन सुनवाई की। इस बाबत ही बीते दिन अधिवक्ता विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को बताया गया कि बिहार विद्यापीठ परिसर से सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार विद्यापीठ प्रबंध समिति के कामकाज पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इस बाबत कोर्ट को भी यह बताया गया है कि बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा गया है। जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। कैग रिपोर्ट में नीतीश सरकार साबित हुई फिसड्डी। गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही नमामि गंगे योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बिहार सरकार की पोल खुल गई है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बिहार सरकार फिसड्डी साबित हुई। इसमें यह खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। बिहार विधानसभा में हाल ही में रखे गए CNG रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत 4 वित्त वर्ष में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करना था, लेकिन बिहार स्टेट गंगा रिवर
कॉन्वर्जेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट से पता चला है कि 2016-17 से 2019-20 के बीच केवल 16-50% फंड का ही इस्तेमाल किया गया है। बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटे में बारिश के आसार। प्रदेश भर में मौसम भी खेल खेल रही है, कहीं धूप की तपिश है तो कहीं बारिश ने माहौल बना रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन में बारिश की संभावना जताई गई है। अभी फिलहाल प्रदेश भर में कहीं बारिश तो कहीं पूर्वा हवा की वजह से तापमान में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि राजधानी पटना एक बार फिर से सूरज की तपिश से परेशान है। बीते दिन की ही बात करें तो राजधानी पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। साथ ही साथ यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार के 259 नगर निकायों में प्री मॉनसून से पहले लगेगा स्ट्रीट लाइट। बीते कुछ समय से बिहार के नगर निकायों को चकाचक और रोशनीदार बनाने की योजना के साथ काम हो रहा है, जिसके तहत ही नगर निकाय और आवास विभाग की तरफ से बिहार के 259 नगर निकायों में प्री मॉनसून से पहले सड़कों पर 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी है। इसके तहत ही 100-100 मीटर पर लगने वाले स्ट्रीट लाइट में दुधिया रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार के 259 निकायों में लगभग 6.50 लाख स्ट्रीट लाइट है। बिहार के सभी निकायों में हर महीने लगभग 40,000 शिकायतें रहती हैं। इसमें 15,000 शिकायत केवल पटना में ही थी। इसको देखते हुए हर महीने 35,000 से 38,000 शिकायतों को तत्काल दूर करने की योजना बनाई गई है। बिहार में बढ़े नए किताब कॉपियों के दाम। बिहार में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। इसी सत्र में अभिभावकों को किताब और कॉपी खरीदने के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है, जिसके तहत ही अब किताबों पर 10-15% और कॉपियों का मूल्य 25% तक बढ़ गया है। अभिभावकों की माने तो कोरोना के कारण पहले से ही बजट डावाडोल है। इसके बाद अब नए सत्र में बच्चों का री एडमिशन फिर बढ़े दाम पर कॉपी किताब खरीदने की मजबूरी बन गई है। इसके साथ ही पेंसिल, रबर, कटर और औजार बॉक्स आदि की कीमत भी बढ़ गई है। 5-10 रुपए के सामान में 3-5 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। स्केच पेन, कलर बॉक्स जो पिछले साल 60-80 रुपए में मिलता था, अब 75-110 रुपए पर पहुंच गया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जेई भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट किया जारी। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बीएसटीसी ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 6,000 जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके बाद ही अब जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वो अपना रिजल्ट बीएसटीसी की वेबसाइट parikshaNIC.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों ने सीएम आवास के बाहर लगाई गुहार। बीते दिन सीएम आवास के बाहर बिहार के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों ने मदद की गुहार लगाई। इसको लेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 50 से अधिक बच्चे अपने परिजनों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सभी सीएम नीतीश कुमार से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उनसे मुलाकात नहीं करने दी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के परिजनों का कहना था कि बिहार में जांच की भी सुविधा नहीं है, इलाज की बात करना तो बहुत दूर की बात है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की शक्ति छिन जाती है और मसल्स कमजोर होने के साथ सिकुड़ने लगते हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ। बीते दिन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलवाई है। शपथ लेने वालों में बिहार सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और सेवानिवृत्त न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी को शामिल किया। आपको बता दें कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से दोनों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। ज्ञात हो त्रिपुरारी शरण बिहार के पूर्व मुख्य सचिव पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। पूर्व न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन कमेटी की बैठक में दोनों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में फैसला लिया गया। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाला मामले में पहले से ही फंसे लालू यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अब चाईबासा कोषागार और दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लालू को जमानत मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली है। लालू को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिलने पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला लिया है। इसको लेकर जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने लालू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने राजद नेता यादव को 2021 में दुमका कोषागार मामले और 2020 में चाईबासा कोषागार मामले में दी गई जमानत के खिलाफ अपील दायर की है।
एमएलसी चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की होगी जीत। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सभी जिलों में बीते दिन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवा दिया गया। इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत तय है। उन्होंने बताया है कि भले ही एनडीए कुछ भी दावा करे, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में ही जनप्रतिनिधि वोट करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। इस बार जिस तरह वार्ड सदस्यों के अधिकार को हटाया गया, उससे भी वार्ड सदस्यों में खासी नाराजगी है। अधिकांश जनप्रतिनिधि सरकार से ही नाराज है। पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में राजद से जुड़े लोग चुनाव भी जीत कर आए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1949 को हुई। भारत सरकार की तरफ से प्रायोजित पहली इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1961 में हुई। देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 में मुंबई में खुला। भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच 2002 में मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने के लिए सहमति बनी। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में हुआ। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल और केंद्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय के उपमंत्री रहे मोहम्मद उस्मान आरिफ का जन्म 1923 में आज के दिन हुआ। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की 1993 में रहस्यमय तरीके से जान चली गई। सीएसके की हार के लिए गवास्कर ने ठहराया धोनी को जिम्मेदार। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। धोनी इस सीजन में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ही सीएसके के लिए खेल रहे हैं। डिफेंसिंग चैंपियन इस टीम की आईपीएल 2022 में शुरुआत काफी खराब हुई है। रविंद्र जडेजा की कप्तानी में सीएसके ने अपने लगातार 3 मैच को हारा है। रविवार को सीएसके को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के लिए पूर्व क्रिकेटर सुनील गवास्कर ने महेंद्र सिंह धोनी को ही जिम्मेदार ठहराया। गवास्कर ने इस मैच के बाद कहा कि आप देखते हैं कि धोनी बैटिंग के लिए आते हैं और बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेलते, लेकिन वो एक या दो रन चुराते रहते हैं और इस तरह से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। आ रहा है गूगल का नया फीचर। गूगल की तरफ से यूजर को सुविधा के लिए नए नए अपडेट जारी किए जाते हैं। ऐसा ही एक नया अपडेट गूगल डॉक्स यूजर को मिलने जा रहा है, जिसकी मदद से गूगल डॉक्स यूजर शशि थरूर जैसी धाकड़ अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन्हें शानदार अंग्रेजी के लिए जाना जाता है। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का दावा है कि नए अपडेट के बाद गूगल डॉक्स फाइल पर यूजर व्याकरण की कमियों को दूर कर पाएंगे, साथ ही वर्तनी की खामियों को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से वाक्य और शब्द लिखे जाए, इसको लेकर गूगल की तरफ से रियल टाइम सुझाव दिया जाएगा। गूगल ने ऐलान किया है कि गूगल आपके लेखन को ज्यादा असरदार बनाने का काम करेगा। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में होगी भाजपा कैंडिडेट्स की जीत। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद अब बिहार में बोचहा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जल्द ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार प्रचार प्रसार के लिए भी निकलने वाले हैं। वहीं अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने इसको लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो खुद चुनाव प्रचार में गए थे। वहां पर उन्होंने लोगों से जबरदस्त उत्साह उन्होंने देखा, जिसको देखकर स्पष्ट हो गया कि इस बार एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी, यानी कि बेबी कुमारी की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में भी सभी 24 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत तय है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है श्याम कुमार, मंतोष कुमार, विजय घायल, रविराज, फिरोज खान, राकेश कुमार, किशोर रॉय, कमलेश कुमार, अकबर अली, विवेकनंद, मुकेश शर्मा, रंजीत मेहता, खेसारी लाल यादव, मोहम्मद सामी, रविंद्र महतो। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। राज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल 2022 में चेन्नई की लगातार तीसरी हार का प्रमुख कारण क्या धोनी की कप्तानी छोड़ना है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।